सियासी बोगस या फिर वाकई ही इमरान खान को मर्डर करने का प्लान है। निगरान हुकूमत ने इमरान खान की सिक्योरिटी 15 मार्च के बाद से वापस ले ली और इसके बाद ऑफिशियल सिक्योरिटी जो साबिक वजीर आजम को मिलनी चाहिए उसका एक भी अहलकार साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ मौजूद नहीं और वो अदालतों में पेशियों के लिए जाते हैं तो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी साथ मौजूद होती है जिसे एक मौके पर अदालत ने कमरा अदालत से बाहर भी निकाल दिया था। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, कहा कि जिंदगी को खतरा है लेकिन उन्हें बतौर साबिक वजीर आजम भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई ने मौकफ इख्तियार किया कि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इमरान खान की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है। इमरान खान को वो सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही जो साबिक वजीर आजम की हैसियत से उनका हक है और हर साबिक वजीर आजम को मिलती है। दरख्वास्त में कहा कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है लेकिन स्टेट की जानिब से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी फ्राहम ना करना उनके आईनी और बुनियादी हकूक के मुनाफी है लेकिन इस वक्त निगरान सेटअप किसी और के हाथों में खेल रहा है। दरख्वास्त में ये भी इस्तदआ की गई कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म अदालत की जानिब से दिया जाए। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया और इससे पहले 13 और 14 मार्च को जब इमरान खान के घर पर ऑपरेशन किया गया तो उससे पहले वो सरकारी सिक्योरिटी जो कि जमान पार्क में मौजूद थी और जो इमरान खान को बतौर साबिक वजीर आजम मिली थी उस सिक्योरिटी को हटा लिया गया था, सिक्योरिटी को वापस बुला लिया गया। इसके बाद जब इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए गए तो वहां मौजूद सिक्योरिटी बंकर्स को भी पंजाब की निगरान हुकूमत ने हटा लिया और आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर वापस ले ली थी।